गुड मॉर्निंग गाइज, इट्स येट अनदर ब्यूटिफुल मॉर्निंग हियर इन ब्लू ग्रीन एक्सोटिका रिसोर्ट इन मंडनगढ़। अभी यहाँ से निकलना है, बट बिफोर दैट जब मैं बोलता हूँ ना यहाँ पे बैठ के कि इट्स अ गुड मॉर्निंग, आई रियली मीन इट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन वंस अगेन टू आर चैनल यू वॉचिंग काउंटिंग किलोमीटर्स। वेल द टाइम राइट नाउ इज 7:30 ऑन 23rd ऑफ मार्च 2021। पता है मुझे 6 बजे निकलना था, लेट हो गया है, बट लुक एट दिस, इतना बड़ा ओपन होने वाला डोर देखा है क्या कभी? तो यही सब और ऐसे बहुत से काम इस गाड़ी की करानी है और इसी के लिए ये गाड़ी अपने को अभी लेके जानी है। दादा और ताई उसमें चलेंगे और हम इसमें चलेंगे। चलो थोड़ा सा वार्म अप करते हैं इसको और फिर निकलते हैं, देखेंगे कितने टाइम में पहुँचते हैं। मतलब टाइम वाइम गिनना नहीं है, आराम से जाना है, मज़े करते हुए जाना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि पता नहीं है गाड़ी कैसे चलती है। एक तो अपने को आदत नहीं है, प्रैक्टिस एक ही दिन की है सिर्फ, वो भी थोड़ी सी। चलो जुगाड़ किया मैंने अभी, जुगाड़ डीजल भरने के लिए रुका था उतने टाइम में यहाँ पे। मतलब कैसे कैसे माउंट किया बता भी नहीं सकता। अपना गोरिल्ला पॉड, पहले वो गोरिल्ला पॉड का उम्र ख़त्म हो गई है उसकी, लेकिन फिर भी काम कर रहा है। यहाँ पे जो हैंडल होता है ना डोर, इसके पिलियन क्या बोलते हैं यार, वो पैसेंजर को पकड़ने के लिए यहाँ पे, उस पर गोरिल्ला पॉड लगा के उसके ऊपर अभी गोप्रो लगा के रखा है मैंने। अभी फिलहाल तो लग रहा है ठीक ठाक कि है, रहेगा यहाँ पे, ऐसे ऐसे हिल रहा है, लेकिन ठीक है, अगर रहेगा अच्छे से तो मैं बात तो कर पाऊँगा आपसे, क्योंकि ये गाड़ी चलाते वक्त ऐसे पकड़ के बात करना पॉसिबल नहीं है। तो होप दिस वर्क्स। बाय द वे मैंने बहुत कोशिश की इसको खींच के लगाने की, लेकिन नहीं हो रहा है, वो अटका हुआ है कहीं पे। मतलब अभी वो और एक काम है कार में करने के लिए, इसमें हो गया ये दरवाज़ों का लॉक, बहुत कुछ है करने के लिए, तो अभी ये भी उसी में है। तो अभी अपने को थोड़ा आराम आराम से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि बिना सीट बेल्ट के चला रहा हूँ। अराउंड 45 मिनट्स ऑफ ड्राइविंग वी हैव रीच्ड हियर एट अम्बेत तो खाड़ी के उस पर, तो उस तरफ है मापरड़। तो यहाँ से अभी फेरी बोट में से रोरो सर्विस में से लेके जाना है इतना बड़ा धूड़ मराठी में बोलते हैं धूड़। हाँ एक्चुअली जब परसों आए ना उस टाइम पे 2 फेरी बोट्स थी, एक यहाँ से निकलती थी एक वहाँ से निकलती थी, लेकिन मे बी वो ट्रैफिक के हिसाब से करते होंगे, अभी तो एक ही चल रही है। तो अभी उस तरफ है वो, वहाँ से पैसेंजर्स और व्हीकल्स लेके इधर आएगी, उसके बाद वो जो गाड़ियाँ है वो अनलोड होंगी, उसके बाद अपनी गाड़ी लोड होगी। तो थोड़ा टाइम जाएगा यहाँ पे। टोटल ऑलमोस्ट 45 मिनट्स गए, क्योंकि पहुंचा था मैं वहां पे 8:30 को पहुंचा था मैं वहां पे, राइट, और 9 o'clock का शेड्यूल टाइम था उसका, तो शेड्यूल एकदम टाइम टू टाइम 9 o'clock, मतलब 9 o'clock को उन्होंने बोट निकाली।
इट टुक हार्डली 5 to 7 minutes टू क्रॉस. अभी बजे हैं ऑलमोस्ट 9:30 होने को है, मतलब 9:20, 9:25 समथिंग. गर्मी बढ़ने से पहले पहुंचना है बस, और कुछ नहीं. बाय द वे, अभी और एक सरप्राइज है आपके लिए, मतलब अनएक्सपेक्टेड, मेरे लिए भी अनएक्सपेक्टेड था. हम कहाँ पे, आपको पता है ना, वी आर गोइंग फ्रॉम मंडनगढ़ टू करजत. और एक ऐसा आदमी जो इस रूट पे कहीं नहीं रहता, वो अपने को वहाँ पे मिलने वाला है. तो चलते हैं, वहीं पे मिलते हैं. वीर के रेलवे स्टेशन पे आया है अभी. रेलवे से मिलने के लिए कोई आया अपने को? हेलो, पहचान दे हो क्या? पहचान दे. कितनी बड़ा ओळख करून दे ना. कुठला ट्रेन आला? अच्छा, वैगनर. नवीन कोकण रेलवेला नवीन ट्रेन चालू झाली आहे. इनको बोला था हमारे साथ चलो, साथ में आए नहीं. अभी हम लोग वापस जा रहे हैं, उस टाइम पे ये दापोली जा रहे हैं. बाय द वे, आपको मालूम है ना, सर का घर है दापोली में. एड्रेस वगैरह दे दूंगे नीचे, फोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर. छोड़ो, वो सब डिटेल्स नहीं देते, लेकिन सर का घर जो लोकेशन है ना, वो आप देख सकते हो. यहाँ पे लिंक डाल देता हूँ मैं. ये वीडियो देखो, वीडियो में सर का घर का लोकेशन, उसके ड्रोन शॉट्स. सीरियसली आप जाके देखो, बहुत सुंदर घर है इनका. ये जा रहे हैं दापोली, हम जा रहे हैं टूवर्ड्स मुंबई. ऑन द गो, अंश सर बोलते हैं ना, सी यू ऑन द रोड. ऐसा सी यू ऑन द रोड ऐसा होता है, सी यू ऑन द रेलवे स्टेशन. बस ऐसे ही 5 मिनट के लिए रुक गए. पता था सेम टाइम पे यहाँ पे क्रॉस होने वाले हैं, तो बीच में रुक गए मिलने के लिए. अभी वो निकलेंगे उस तरफ, हम निकलेंगे इस तरफ. अपना अभी ब्रेकफास्ट हुआ नहीं है, मतलब वहाँ पे हुआ था, ब्रेड और चाय के साथ रस्क वगैरह खाया था. लेकिन अभी मांडगांव में रुकेंगे, शायद थोड़ा सा अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लेंगे और फिर आगे निकलेंगे. इनके 7 मिनट रुके थे, 7 मिनट में हाय, हेलो, गपशप, फोटो, टाटा, बाय बाय. वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते. इतना क्विक मीटअप. ब्रेकफास्ट का मतलब होता है फास्ट फूड, और वो फास्ट अगर सब होता है ना, तभी मज़ा आता है. यहाँ पे वो मिला 15 मिनट में, मिसल, ऑमलेट, बुर्जी सब सर्व किया उसने. खा के विद इन 20 मिनट्स बाहर. ये होटल एक्चुअली मुझे नया ही दिखा है, इससे पहले कभी मैंने देखा नहीं था मांडगांव से क्रॉस होते वक्त. होटल कोकण क्राउन, जो भी है अच्छा है, टेस्ट भी अच्छा था. वैसे तो अंडे का टेस्ट बुरा, ज़्यादा कोई कर नहीं सकता, अंडे में बुरा कर करके क्या करेगा. ये अभी जो आपको स्पीड दिख रहा है ना, ये मैक्सिमम स्पीड है. इससे अगर ज़्यादा तेज चलाने जाऊँगा तो गाड़ी हिलने लगती है. दिस इज द टॉप स्पीड दैट आई एम ड्राइविंग, हार्डली 60-65. पता नहीं चल रहा है क्योंकि मीटर भी बंद है इसका, लेकिन है 60-65 के रेंज में अंदाज से बना सकता हूँ. अभी अपने को जाना है कोलाड में. ये जो पीछे सब सामान पड़ा है ना, बोट्स वगैरह, राफ्ट, जो परसों आपने देखी पिछले व्लॉग में, वो राफ्ट में लीकेज है थोड़ा सा, वो सब वहाँ पे रिपेयरिंग के लिए, वो देख के फिर कर जा जाएंगे. द सीरीज ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स कंटिन्यूज. ना ये ट्रिप एंड हो रहा है, ना ये एक्सपीरियंसेस एंड हो रहे हैं, ना एक्साइटमेंट एंड हो रहा है. अभी यहाँ पे मैंने जो बोला था कोलाड में बोट्स रिपेयर के लिए देने हैं, यहाँ पे आए हम. एंड लुक एट दिस लोकेशन, ये पूरा सावित्री रिवर के साइड में है. दिस इज़ वाइल्डर वेस्ट एडवेंचर्स. और आपने अभी देखा क्या पीछे, वाइड एंगल है ना, मैं भूल गया था, छुपाना था मेरे को. अभी लुक एट दिस, देयर इज अ बंजी जंप टावर. और अभी यहाँ से सोनाली ताई जंप करने वाली है. इस ट्रिप में कोलाड का बंजी जंपिंग भी आ गया. कहाँ से आ गया, किसी के प्लान में नहीं था, लेकिन आ गया. तो ये अचानक से स्टार ऑफ द शो बनी हुई. कसा वाटत आहे फीलिंग, असं अचानक सुलीवर लटकवलं? काहीच नाही वाटत आहे. म्हणजे गेट मधून आत येईपर्यंत असा काही प्लॅन नव्हता, आणि अचानक आता अचानक एकदम ठरवलं बंजी करायचं. डायरेक्ट तिकडे नेऊन लटकवणार आहे तिला आता. एक्चुअली माझा पण राहिलेला. जब मैं फर्स्ट टाइम उत्तराखंड गया था ना, उस टाइम पे बहुत प्लान करके गया था मैं, कि मुझे बंजी जंप करना है ऋषिकेश में. बट जिस दिन मैं ऋषिकेश पहुंचा, उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश चालू हो गई थी, तो बनता अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाया. लेकिन आज आपको ज़रूर दिखाऊंगा. मैं नहीं कर पाया, लेकिन ताई करेगी, मैं आपको दिखाऊंगा. जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से दिखाऊंगा.
ये सक्सेसफुल जंप के बाद थाइस बैक कैसा वाटला? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? ऑसम, इट वाज रियली ऑसम। या आई सॉ यू बाद मेरा ये आई सॉ यू डूइंग समथिंग लाइक दिस। या एक्चुअली वहां पे बहुत तप रहा था जहां पे मैं खड़ी थी। बाय द वे दिस बंजी जंप इज व्हाट 41 मीटर्स राइट? 41 मीटर्स 41 मीटर्स की जंप है एंड दिस इज माय फर्स्ट टाइम। देख के ही मजा है, देख के ही बहुत मजा है। आई होप आप लोगों को भी देख के मजा आया होगा ये पूरा एक्सपीरियंस। इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। इफ यू एवर कम दिस साइड, अपना जो NH66 है ना, वहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर अंदर है। रोहा वाला जो रोड है ना, कोलार से रोहा जाने वाला रोड, वो रोड पे ही है राइट साइड में, वाइल्डर वेस्ट करके, जस्ट 3 किलोमीटर इन साइड। यू मस्ट विजिट, मतलब क्या सही प्लेस है। अभी क्या करना है बोलो? और भागते पनवेल की तरफ। ये सुकेरी का जो पास है ना, बहुत पुराने टाइम पे तो मतलब इट वॉज वन ऑफ द डेडलीस्ट, यहाँ पे चोरियाँ वगैरह होती थी, लेकिन अभी पूरा मस्त 4 लेन बन गया है। यहाँ पे अच्छा खासा ड्रोन शूट आता था, आई मीन बहुत अच्छे शॉट मिल सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली अभी अपने पास ड्रोन की बैटरी बिल्कुल नहीं बची है, क्योंकि ये बंजी जंपिंग का टोटली अनएक्सपेक्टेड था। और उसमें ऐसा हुआ कि पूरा जो प्रोसेस था, इट लास्टेड फॉर सम 20-25 मिनट्स, तो एक बैटरी पूरी उसमें खर्च हो गई। तो अभी अपने पास ड्रोन बैटरी है नहीं, तो अभी आपको ज़्यादा एरियल शॉट्स वगैरह तो कुछ दिखा नहीं पाऊंगा मैं यहाँ से आगे। पनवेल पहुँचना है, अगर कुछ इंटरेस्टिंग है बीच में तो दिखाता हूँ GoPro में ही, नहीं तो फिर डायरेक्टली पनवेल ही पहुँच जाते हैं। तो यहाँ से आगे जो एंटिसिपेट किया था वही हुआ, और पनवेल पहुँचने के बाद वो गाड़ी हैंडओवर करके पूरा उसके सब काम बता के, जॉब कार्ड वगैरह सब बना के ख़त्म करके फिर करजत पहुँचने तक, मतलब मैं पूरी तरह भूल गया था कि मुझे ये ब्लॉग आगे कंटिन्यू भी करना है या ब्लॉग एंड भी करना है। और ये बात मुझे याद तब आई जब ये ब्लॉग मैंने एडिट करने लिया। तो अभी इस प्यारे से NH66 के नज़ारे के साथ ही इस ब्लॉग को एंड करते हैं, और इस सीरीज़ को भी, मंडनगढ़ के इस ट्रिप को भी। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में किसी और एक्सपीरियंस के साथ, किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी। कीप काउंटिंग किलोमीटर्स।